सीमा हैदर की प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच राजस्थान के अलवर से एक और लव स्टोरी सामने आई है, लेकिन इस लव स्टोरी में कोई पाकिस्तानी महिला नहीं बल्कि हिंदुस्तानी महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तून पहुंच गई। दो बच्चों की मां अंजू की पाकिस्तानी युवक नसरुल्ला से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि अंजू अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई। घर से निकलते समय अंजू ने अपने पति को कहा कि वो जयपुर जा रही है, लेकिन जब पाकिस्तान पहुंचकर उसने अपने पति को फोन किया तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि अंजू का कहना था कि वो लाहौर में अपनी एक सहेली से मिलने आई है और वो 3-4 दिनों में घर वापस लौट आएगी, लेकिन जब पाकिस्तानी मीडिया की ओर से अंजू की खबर को पब्लिक किया गया तो अंजू के घर परिवार में हड़कंप मच गया। इस मामले में अंजू के पति से भी बातचीत की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। जानकारी के मुताबिक अंजू पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले नसरुल्ला नाम के एक युवक से मिलने गई है। सर मेरे को तो इतनी जानकारी है कि मेरे से बात हुई थी जयपुर के लिए जाने की, ठीक है। मेरे को कल शाम को पता चला है, 6 बजे के आसपास फोन आया था मैं कि लाहौर हूँ, मैं सबको बता दी। ऐसी जानकारी कि सबको बता देंगे तो इससे पहले आपके अलावा किन किन को इसी चीज़ की जानकारी थी? इससे किसी को नहीं बता दी गई थी कि मैं जा रही हूँ। जैसे कल आपने कहा था कि आपकी साली है उनके लिए उन्होंने बात करने की, हाँ तो वो कल ही बताई है सबको, उनको भी कल ही बताया। हाँ आपको बताते चलें कि अंजू 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गई। रविवार को जब उसने अपने बच्चों से वीडियो कॉल पर बात की तो बताया कि वो अपनी सहेली से मिलने लाहौर पहुंची है। अंजू के पति अरविंद 2005 से भिवाड़ी में जॉब कर रहे हैं। उनकी शादी 2007 में मध्य प्रदेश के गुना जिले निवासी अंजू से हुई थी। अंजू भी भिवाड़ी की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। हालांकि अंजू के पति का कहना है कि वो कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगी, लेकिन इसी बीच इस मामले में कुछ सवाल खड़े होते हैं। इसमें सबसे पहला ये कि अंजू ने पाकिस्तान जाने से पहले एक नया सिम कार्ड खरीदा था और इस सिम कार्ड का नंबर उसने अपने पति तक को नहीं दिया। दूसरा, अंजू के लाहौर पहुंचने की घर वालों को भनक तक नहीं लगी। अंजू पहले कभी इस तरह से दूर देश कभी नहीं गई है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि अंजू का वीजा आखिर लगवाया किसने और वो किससे मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची है।